मुल्ला नसरुद्दीन 100 साल का हो गया तो दूर दूर से अखबार नबीस उसका इंटरव्यू लेने आए। 100 साल का हो गया आदमी वे से पूछने आए कि तुम्हारे स्वास्थ्य का राज क्या है, तुम अब भी चलते हो फिरते हो, तुम प्रसन्न चित दिखाई पड़ते हो, तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं, तुम्हारा राज क्या है? तो मुल्ला ने कहा, मेरा राज, मैंने कभी शराब नहीं पी, धूम्रपान नहीं किया, नियम से जिया, नियम से सोया, उठा, संयम ही मेरे जीवन का और मेरे स्वास्थ्य का राज है। वह इतना कह ही रहा था कि बगल के कमरे में जोर से कुछ अलमारी गिरी तो वे सब चौंक गए। पत्रकारों ने पूछा, यह क्या मामला है? तो उसने कहा, ये मेरे पिताजी हैं, वे मालूम होता है कि फिर शराब पीकर आए हैं। कोई आदमी 100 साल जिंदा रह जाता है, वह सोचता है मैंने शराब नहीं पी इसलिए जिंदा हूँ 100 साल। उनके पिताजी पीकर अभी आए हैं, उन्होंने अलमारी गिरा दी है। अगर कोई जैन ज्यादा जी जाता है, वह सोचता है शाकाहार की वजह से ज्यादा जी गए। कोई मांसाहारी ज्यादा जी जाता है, वह सोचता है मांसाहार की वजह से जी गए। धूम्रपान करने वाले भी ज्यादा जी जाते हैं, धूम्रपान ना करने वाले भी ज्यादा जी जाते हैं। साग सब्जी खाकर भी लोग ज्यादा जी जाते हैं, जिन्होंने साग सब्जी कभी छुई ही नहीं वे भी जी जाते हैं। और जो आदमी जिस ढंग से जी जाता है, वह सोचता है या मैंने अपने जीवन का नियंत्रण किया या मेरे संयम से हुआ। तुम्हारे किए कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम करता नहीं हो, तुम्हारे किए कुछ भी ना हुआ ना होगा। कभी कभी संयोग से, कभी कभी बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है, वह संयोग ही है। कभी कभी ऐसा होता है तुम जो चाहते हो वह हो जाता है, वह होने ही वाला था, तुम ना चाहते तो भी हो जाता। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, वह नाराज हो गई गांव के लोगों से। उसने कहा, तो भटकोगे तुम अंधेरे में सदा? उन्होंने पूछा, मतलब? उसने कहा कि मैं अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव जाती हूँ, ना रहेगा मुर्गा, ना देगा पान, ना निकलेगा सूरज, मरोगे अंधेरे में। देखा नहीं कि जब मेरा मुर्गा बांग देता है तो सूरज निकलता है। वह बूढ़ी अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव चली गई क्रोध में, और बड़ी प्रसन्न है क्योंकि अब दूसरे गांव में सूरज निकलता है, वह मुर्गा बांग देता है। वह बड़ी प्रसन्न है कि अब पहले गांव के लोग मरते होंगे अंधेरे में, सूरज वहां भी निकलता है। मुर्गों के बांग देने से सूरज नहीं निकलता, सूरज के निकलने से मुर्गे बांग देते हैं। तुम्हारे कारण संसार नहीं चलता, तुम मालिक नहीं हो, तुम करता नहीं हो, यह सब अहंकार भ्रांतियां हैं। भोगी का भी अहंकार है, योगी का भी अहंकार है, इन दोनों के जो पार है उसने ही अध्यात्म का रस चखा। जो ना योगी है ना भोगी,